सुपरस्टार रजनीकांत को भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में रजनीकांत ने इस पुरस्कार को अपने गुरु के बालचंद्र, अपने बड़े भाई सत्यनारायण गायवकर और अपने सबसे अच्छे दोस्त राज बहादुर को समर्पित किया। नितेश तिवारी की फिल्म छिछोरे को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। ऐसे में फिल्म के निर्माता साजिद नाडियावाला ने उनकी फिल्म को मिला ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम कर दिया। एक्टर जॉन अब्राहम की मच अवेटेड फिल्म सत्यमेव जयते 2 का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। फिल्म का ट्रेलर दमदार एक्शन और डायलॉग से भरपूर है। ट्रेलर में जॉन अब्राहम का ट्रिपल रोल भी दिखाया गया है। दिव्या खुशाल कुमार का भी बिल्कुल अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और ऋषभ पंत के डेटिंग के चर्चे लगातार हो रहे हैं। बाद में उनके ब्रेकअप की खबरें भी मीडिया में छाई रही। दोनों को पिछले साल डिनर डेट पर स्पॉट किया गया था। रविवार को उर्वशी दुबई में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के इंडिया को चीयर करते नजर आई हैं। रानी मुखर्जी और सैफ अली खान की आने वाली फिल्म बंटी और बबली 2 का मजेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। दिवाली के मौके पर यशराज बैनर के तले बनी ये मजेदार कॉमेडी फिल्म रिलीज होने जा रही है। जहां एक तरफ पुराने बंटी और बबली, रानी और सैफ हैं, तो वहीं इस बार नए बंटी बबली बनकर लोगों को लूटने आ रहे हैं सिद्धांत चतुर्वेदी और सरवरी नजर आएंगे। पिछले बंटी और बबली में जहां अमिताभ बच्चन इन ठगों को पकड़ते नजर आए थे, वहीं इस बार पुलिस वाले का किरदार पंकज त्रिपाठी करने जा रहे हैं।